मेरी मम्मी बहुत सालों से आर्थराइटिस है उनको पैरों का प्रॉब्लम वैसे बहुत सारी लेडीज लेडीज़ उनको जॉइंट पेन्स बोन में पेन्स यू नो लाइक बोन पेन जॉइंट पेन उसका क्या इलाज है आपके पास मैं आपको बताऊं बताऊ की जो लोग एज फैक्ट है ये एक बहुत बड़ा हाँ हम क्या करते हैं मैं आपको भी एडवाइज करूंगा ये चीज आप भी ध्यान रखिएगा कि हम बहुत सारी चीजों से हट गए अब जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि मैडम आप हल्दी खाइए ठीक है आप हल्दी लेके भी आते हो उस हल्दी को कुछ दिन रखिए उसमें कीड़ा आ जाता है क्योंकि उसमें मिलावट है अब हल्दी में कीड़ा कहाँ से आ गया कभी भी नहीं आ सकता अगर ओरिजिनल है तो तो वो चीज़ जो है लोग खाना पीना छोड़ गए हैं अब उसके साथ क्या होता है कि जोड़ों में दर्द उम्र से पहले शुरू हो जाता है उसको डॉक्टर लोग क्या कहते हैं एज फैक्टर है जी ये गोलियां सारी उम्र खाते रहो स्टीराइड लगा देते हैं स्टीराइड खाएंगे तो और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब भी कोई जोड़ों के दर्द की परेशानी शुरू होती है शुरू होते ही सबसे पहले अपनी रसोई घर में जा के हल्दी का जो आधा चम्मच है वो दूध में डाल के लेना शुरू कर दीजिए रोज अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है दूध से प्रॉब्लम है तो पानी में ही डाल लीजिए उसको गर्म पानी में डाल के लेना शुरू कीजिए ताकि आपका जो बॉडी का पेन है वो तुरंत कवर करने के लिए हल्दी से ऊपर कोई स्रोत नहीं है और दूसरी चीज जो बहुत बड़ी खोज हुई है इन चीजों के ऊपर हमें भी लगे हैं बाईस तेईस वर्ष लगे हैं इस चीज को गवर्नमेंट से सर्टिफाइड करवाने में वो है जिन लोगों के घुटने दर्द करते हैं और बैक में दर्द होता है उनको हॉस्पिटल में जाते ही बोल दिया जाता है कि आपको तो ऑपरेशन होगा आप घुटना चेंज कर लो नी सर्जरी की बात पहले ही हो जाती है तो तो वो लोग इतने घबरा जाते हैं बुखला जाते हैं कि अब क्या करें एक तो चार पांच लाख रुपए का खर्चा यूं ही खड़ा हो गया दूसरा उनको ये लगता है कि मैं क्यों करवाऊं घुटने का मैं तो ठीक हूं और जो पेंटल सब लोग चलते फिरते हैं ना काम करते हैं गाड़ी में बैठते हैं गाड़ी चलाते हैं सीढ़ियाँ है चढ़ लेते हैं उनको ऑपरेशन का जरूरत नहीं है जरूरत उनको है जो सीट जो बेड पे लेट गए अब जैसे आपका क्वेश्चन है।, है कि मेरे मम्मा को दर्द रहता है तो नॉर्मली उनको काला गोंद कैप्सूल आता है हमारी कंपनी का है बैदबान लिखा है गूगल पे जाके लोग सर्च करते हैं डब्लू डब्लू डॉट बैदबान डॉट कॉम जो ये साइट है हमारी इस साइट पे जाकर के आप देखेंगे काला गोंद कैप्सूल है काला गोंद ऑयल है और काला गोंद जेल है ये अलग चीज़ें हैं तीन और तीनों का बहुत ही बेटर रिजल्ट है मतलब वो ऐसी वैसी जेल नहीं है ये मतलब बहुत ही इसको मैं आपको बताता हूँ एक तो ये काला गोंद कैप्सूल है ये बिल्कुल इसके अंदर काला गोंद डाला गया है ये जो काला गोंद है ना जी ये बना बनाया भगवान का दिया हुआ वो चीज है कि जो हम कह देते हैं घुटनों का ग्रीज खत्म हो गया या साइनोवल फ्लूड खत्म हो गया ये गोंद हाँ गोंद काला गोंद लाइक like लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन वो उसको हमने साथ में जटा वंशी का मिश्रण दिया जो जटामासी एक जड़ी बूटी है जो बॉडी के अंदर जितनी ब्रीक नसें होती हैं ना कभी आपने देखा होगा किसी के पैरों के पास किसी के घुटने के पास ब्रीक ब्रिक नीली पीली सी लाइनें बन जाती हैं नारिय नसें वो वो ब्लॉक होने के कारण ब्लड सप्लाई नहीं होती प्रॉपर ज्वाइंट को तो ज्वाइंट वीक होने लगते हैं तो ऐसे में काला गूंद कैप्सूल और साथ में जोड़ जोड़गज केसरी ये रखा है मैंने डब्बा आपके सामने हाँ ये जोड़ जोड़गज केसरी एक पाउडर है जी जोड़ों को मतलब जोड़ गज हाँ हाथी के समान मजबूत कर देता है जोड़ गज केसरी इसके अंदर सबसे बड़ी चीज हमने जो डाली है वो डाली गई है केसर वगैरह डाला गया है सो हाउ डू इट ये वन टीस्पून मॉर्निंग एंड इवनिंग पानी में पानी में मुंह में रखो और पानी पियो डिस प्रोडक्ट है और जिनको कहते हैं कि जोड़ों में बहुत ज्यादा पेन है मसाज है तो एक हमारा केसर युक्त ये काला गूंद से ही तेल बना अब बहुत सारी चीजें बनती है मैंथोल डाल के बनाते हैं कोई कुछ डाल के काले गोंद से अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं लिया गया ये भी है हाँ जोड़गज ये जोड़गज केसरी है जी ये उन लोगों का जिनको गठिया नहीं हो जाता मैडम जिनके हाँ, ऐसे हाँ, ऐसे हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं हाथ पैर मुड़ जाते हैं उनको फिर ये जोड़गज केसरी तेल देते हैं इस तेल को लगाने से इसकी एक विधि है जब लोग कांटेक्ट हाँ करेंगे या गूगल पे जाएंगे हमारे वेबसाइट पे तो जाके उनको पता चलेगा कि जोड़गज केसरी जो ऑयल है वो अकेला ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है जिनको गाउट हो जाता है जिनके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं उनके लिए और जो जिनका ग्रीस खत्म है या कहते फ्लूड खत्म है और घुटनों में गैप आ रहा है ऑपरेशन के लिए बोला गया है अगर वो काला गोंद कैप्सूल छ महीने लगातार एक कैप्सूल डेली ज्यादा नहीं होता इसका एक कैप्सूल डेली पंचम हल्दी वाले दूध के साथ पंचम हल्दी ये क्या है ये पांच चीजों से बनी हुई हल्दी है पहली हल्दी उसमें होती है काली हल्दी मैं पहली बार सुन रहा हूं। <laughs> काली हल्दी नेवर हाँ, काली हल्दी होती है जब उसकी काटते हैं ना एक तो हल्दी पीले रंग की निकलती है हाँ उसको काटोगे है हल्दी जैसा ही बिल्कुल काटोगे तो अंदर से मोब साइड शेड होता है ओके सूखने के बाद वो काली हो जाती है ओके। वो काली हल्दी जो है वो वो कैंसर कारक है जी कैंसर के सेल को भी कंट्रोल कर जाती है तो काली हल्दी डलती है फिर इसके अंदर अंबा हल्दी सुना होगा आपने फिर इसके अंदर दारू हल्दी दारू सोनी दारू हल्दी उसके बाद इसके अंदर है वो अपनी नॉर्मल येलो हल्दी जो अपन रसोई में यूज करते हैं पांचवी हल्दी इसके अंदर है जंगली हल्दी ये जो जंगली हल्दी है ये नर्व सिस्टम को स्ट्रांग करती है तो इसमें पांच हल्दियों का मिश्रण होता है जी ये है डब्बी में पैक है ये नुस्खे में इसलिए बोल देता हूँ कि हर कोई मेरे पास नहीं आ सकता बिल्कुल बिल्कुल है ना जो ये नुस्खा है मैं सभी को अभी भी कहूँगा कि आपके आसपास कोई भी पंसारी है आप उसको जाके ये मेरा वीडियो दिखा देना आपके हाथ में ही तो है ये वीडियो दिखाना कि ये जो गोयल साहब ने बोली है काली हल्दी अंबा हल्दी दारू हल्दी पीली हल्दी और जंगली हल्दी पांचों हल्दियाँ बराबर मात्रा में ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट डाल के इसका पाउडर बना लो और इसका ना सर आधा चम्मच रोज एक कप दूध में मिक्स करना है उबालना नहीं कुछ नहीं करना गर्म दूध में मिक्स करना, मिक्स करना है कर अगर कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या दूध बंद कर रखा है किसी डॉक्टर ने वैद्य ने, तो आप गर्म पानी में घोलकर इसको उसके साथ ये काला गूंद कैप्सूल खाएंगे खा करके आप रात को जब सोएंगे बेड टाइम ये उस समय खाना पीना है जब उसके बाद कोई चीज़ खानी नहीं है बस फिर लेट नहीं है उसके बाद आप जब ये ये क्रीम है जी इसको जेल बोलते हैं काले गोंद का एक्सट्रैक्ट लिया गया ओ, अच्छा। हाँ प्योर एक्सट्रैक्ट काले गोंद का और इस क्रीम को इस, ऐसे ना जी चम्मच की डंडी के पीछे जैसे मटर के दाने जितना लेना है ज्यादा नहीं ज्यादा लेंगे तो जलेगा बहुत ही इसको ऐसे घुटने का जो ज्वाइंट होता है ऐसे ऊपर उसको धीरे धीरे ऐसे मल देना है स्प्रेड कर दो हाँ बस और नीचे जो घुटने का एरिया होता है जहां लड्डू सा बन जाता है कई लोगों के नीचे बहुत भारी वो उसके अंदर लगा देना है लगा के रात को हल्का सा कपड़ा लपेट के सो जाइए सुबह जब आप उठोगे तो जरूर पेंटल साहब वो लोग बोलते हैं थैंक यू गोयल साहब ये बात मतलब सुनने के लिए कान तरस जाते हैं